अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद है और मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, फोर्थ स्टार इन BSL। हमारे टॉपिक के हवाले से मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन और बेनिफिशियंस। मोस्ट एथिकली गाइडलाइन हाईलाइट डेट रिस्पेक्ट फॉर पर्सन समटाइम रेफर टू एस ऑटोनॉमी इज क्रिटिकल टू द एथिकल कंडक्ट of health care deliver and clinical research. In contraceptive service delivery, public health system and family planning provide bear primary responsibility for ensuring respect for person. Health advocate can facilitate respectful care through monitoring and accountability of service and by educating about their right. देखभाली के लिए ज़रूरी है कि हम उस इंसान को इज़्ज़त दें और उनको ख़ुद मुख्तार बनाएं, उनकी केयर के हवाले से उनको अवेयरनेस दें। जो लोग कॉन्ट्रासेप्टर इंजेक्शंस लगाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन फैमिलीज़ की प्राइवेसी मेंटेन रखें और उनको एजुकेशन दें इंजेक्शन के बारे में कि वो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके इस्तेमाल कैसा है, कितने अर्से बाद इसको लगाना चाहिए, ये सारी एजुकेशन और उसके साथ साथ फैमिली की प्राइवेसी मेंटेन रखनी चाहिए। इन्फॉर्म चॉइस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिसीजन मेकिंग। यूजर एंड पोटेंशियल यूजर नीड टू बी इन्फॉर्म अबाउट हाउ अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वर्क, देयर पोटेंशियल साइड इफेक्ट, द लोकेशन एंड स्किल ऑफ प्रोवाइडर एंड द टाइम फ्रेम्स रिक्वायर फॉर हेल्थ चेकअप एंड ऑन गोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई विद डेट इन्फॉर्म इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन विच मेथड बेस्ट मीट देयर नीड। प्रिफरेंस स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल्स एंड लाइफ सरकमस्टेंस फ्रॉम बोथ एथिकल एंड programmatic points of view, there is clear evidence suggestions that users who receive the contraceptives of their choice and are well informed tend to be satisfied user. Informed consent, however, is only one aspect of respect of person. इससे फैमिली को ये पता चल जाएगा कि इंजेक्शंस के लगाने से, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगाने से उनकी ज़िंदगी पर और इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या असर पड़ेंगे। डिम्पा भी कह सकते हैं और डेपो प्रोवेरा भी कह सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है ये हर 3 महीने में लगता है और इससे जो है ना जो गोली खाते हैं इंसान, उसकी रूटीन बनती है, उससे छुटकारा मिल सकता है। डिम्पा उन मालिक में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिनमें रिसर्च के मुताबिक HIV उन मुल्कों में ज़्यादा पाया जाता है। 2010 से डिम्पा को ज़्यादा अहमियत दी गई है और उन ख्वातीन में HIV की केसेस बढ़ गई है जो डिम्पा का इस्तेमाल कर जो जिन्होंने डिम्पा का इस्तेमाल को तरजीह दी। एक बार ये इंजेक्शन लगाने से 3 महीने तक एक बंदा बच सकता है प्रेगनेंसी से। अगर एक इंजेक्शन लगवा लिया तो 3 महीने तक प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे कॉमन जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये है, जो पीरियड्स हैं उनकी रेगुलरिटी ख़राब हो जाती है। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंजेक्शन लगाने के बाद पीरियड्स रुक भी जाते हैं। इसमें घबराना नहीं होता। अब जो इंजेक्शन लग गया है इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता पर कॉमनली हो जाता है। ये पीरियड्स वो उनमें गैप भी आ सकता है और वो रुक भी सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पर शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छी दवा हो सकती है।